संजय तिवारी, झांसी से हूँ। ये मेरे पिताजी हैं श्री जेपी तिवारी। एक्चुअली इनको पिताजी को लगभग 1.5-2 साल पहले जनवरी में हम लोगों ने ये नोटिस किया कि इनके मुंह में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और जो कि कुछ कैंसर से जैसी चीज़ लग रही है। तो उसको उनको वहाँ पर एक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा ये इसकी बायोप्सी करा लेते हैं। लोग बायोप्सी कराई, उसकी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में क्लैरिटी नहीं थी क्योंकि पहली बार इस प्रकार की चीज़ हम लोग समझ में आ रही थी, थोड़ा डर गए। फिर वहाँ एक कैंसर, मतलब हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर हम लोग एक डॉक्टर को दिखाए, वो कैंसर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। उन्होंने जो है इनको कीमो की दवाई दी। कीमो की दवाई देने के बाद काफ़ी परेशानी अगले 3-4 दिन में हो गई, तो फिर उसको हम लोगों ने बंद किया। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी उनको शरीर में। फिर हम लोग दिल्ली गए मैक्स में, वहाँ दिखाया, वहाँ बायोप्सी कराई। बायोप्सी कराने के बाद फिर दोबारा दिखाने गए, उन्होंने बोला इसका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन में काफ़ी जो है चेहरे में कटाव होगा, यहाँ पूरा ये कटेगा और कितना भी कट सकता है ये भी बोला। तो थोड़ा हम लोग उससे और डर गए कि तो चेहरा ही ख़राब हो जाएगा। फिर वहाँ सर, फिर हम लोग जयपुर में एक हॉस्पिटल है कैंसर, वहाँ गए। फिर ग्वालियर में एक कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ गए। इस तरह से कई, मतलब 3 जो भी हम लोग की अप्रोच में आसपास थे वहाँ गए। और एक जगह तो फिर हम लोगों ने अपॉइंटमेंट फिक्स भी कर लिया था कि ठीक है, मतलब जो है कटेगा तो कटेगा, लेकिन ये कराना ठीक है। इसी दौरान जो है वेबसाइट से जो है पिताजी ने स्वयं ही मतलब आपके क्लिनिक के बारे में देखा, आपके बारे में पढ़ा और आपसे फिर फ़ोन पे बात हुई। तो हम लोगों को लगा कि ये सही है कि अगर विदाउट कटिंग जो है सब चीज़ ठीक हो जा रही है तो वहीं चलते हैं। और सीधे फिर हम लोग ऑपरेशन कराने के हिसाब से मुंबई आए और पहली बार में ही हम लोगों ने डिसाइड करके आए थे कराएंगे। और फिर यहाँ आके बड़ा सफलतापूर्वक ऑपरेशन भी हुआ और आपने 24 घंटे में हम लोगों को डिस्चार्ज भी यहाँ से कर दिया। मतलब टोटल 48 आवर्स में तो हम लोग घर पहुँच गए थे यहाँ आने से लेके चलते। और फिर कुछ दिन थोड़ी बहुत जो चीज़ें आफ्टर इफेक्ट थोड़े बहुत रहते वो रहे। आपने कोई बहुत विशेष दवाई भी नहीं दी और की जो बायोप्सी हुई उसकी रिपोर्ट आई तो आपने कहा कीमो की भी कोई जरूरत नहीं है, वेरेकस है जो अनावश्यक हम लोग डर रहे थे वो भी जरूरत नहीं पड़ी। और दादी आज जो है फिर इसका कुछ फॉलोअप भी आया थोड़ा बहुत 3-4 बार आपके पास। और आज ऑपरेशन हुए 1.25 साल हो गया है, मई में 2000 लास्ट ईयर मई में कराया था, दिस इज अक्टूबर। एंड अभी पिताजी सामने है, बिल्कुल एकदम बढ़िया जो है। उनका वजन भी जो है जब आए थे तो 71 किलो थे, काफी दुबले मतलब उस वक्त हो गए थे उनको दिक्कत। अब वजन भी उनका गेन हो गया है 81, हीमोग्लोबिन भी उस वक्त काफी डाउन हो रहा था। Is everything fine now?